जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माउंटेन फौजी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSF यानी देश की सबसे बड़ी, देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत खास होने वाली है जिन्होंने ACCGD 2022 के लिए BSF को फर्स्ट चॉइस दी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि BSF की स्थापना कैसे हुई थी। दोस्तों देखिए 9 अगस्त 1965 को जब पाकिस्तान घुसपैठियों ने, पाकिस्तान आर्मियों ने जब इंडिया आर्मी के ऊपर जब आक्रमण किया था, उस समय चार बेट, भेरे बेट और सरदारा पोस्ट जो कि तीन चौकियों पर वहां पर आक्रमण किया गया था, उस समय बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा जो है स्टेट आर्म पुलिस फोर्स के कंधों पर हुआ करता था। उस समय की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जिम्मा जो है एक ऐसे बल यानी एक ऐसे फोर्स के कंधों पर दिया जाए जो आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बॉर्डर सुरक्षा की ड्यूटी भी बखूबी निभा सके। तो 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना वहाँ पर की गई। दोस्तों आपको बता दूं BSF का जो ब्रीद वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी ड्यूटी अनटू डेथ। आपको इसका मतलब मैं बॉर्डर सिक्योरिटी की एक सीन को याद दिला के करवाना चाहता हूं जिसमें कि लोंगेवाला पोस्ट जो आपको सभी को याद होगी, जिसमें लोंगेवाला पोस्ट पर जब पाकिस्तान आर्मी अटैक करती तो वहाँ पर BSF ने उनको मुँह तोड़ जवाब देकर पीछे खदेड़ा था। और अभी जो BSF की ड्यूटी का जिक्र करें तो BSF अभी पाकिस्तान से सटी हुई सीमा के साथ साथ बांग्लादेश की सीमाओं की भी निगरानी ये बल करता है। इसी के साथ आपको बता दूँ कि ये बल जो है आंतरिक सुरक्षा में भी अपना बहुत ही नाम और भी जो जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन, नक्सल ऑपरेशन कराए गए हैं उसमें भी इस बल ने बहुत अपना नाम जो है ऊँचा किया है। तो आपको बता दूँ दोस्तों कि BSF की जो ड्यूटी है वो कहाँ पर होती है और इसकी तैनाती कहाँ की जाती है। दोस्तों इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है सॉफ्ट एरिया और एक होती है अति कठिन क्षेत्र जिसमें लेह लद्दाख श्रीनगर जैसे क्षेत्र आते हैं जिसका आपका 2 से 3 साल का आपका वहाँ पर टेन्योर होता है, उसके बाद आपको सॉफ्ट एरिया में तैनात किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको बता दूँ दोस्तों कि इसकी छुट्टी कितनी इस बल में आपको दी जाएगी। दोस्तों देखिए आपको 2 महीने की EL यहाँ पर मिलती है और 15 दिन की आकस्मिक लीव यानी CL आपको यहाँ पर दी जाती है जिसको आपको संडे, RH और GH आपको वहाँ पर अलग से दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या ये बल सुविधाएं मुहैया कराता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको फैमिली के साथ साथ आपको CPC कैंटीन, लिकर कैंटीन, इसी के साथ साथ आप इस बल में फैमिली भी रख सकते हो और फैमिली रखने के लिए आपको वहाँ पर क्वार्टर भी अलाउड किया जाएगा। अगर क्वार्टर वहाँ पर खाली नहीं है तो आपको बाहर भी आप वहाँ पर क्वार्टर लेकर फैमिली को रख सकते हो, आपको वहाँ पर अलग से HRA दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए इसकी अपॉर्चुनिटी आपको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या मिलने वाली है। अगर दोस्तों आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप में हुनर है तो आप जो है अच्छे से एग्जाम की तैयारी करके आप आगे भी बढ़ सकते हो। इसी के साथ साथ ये बल आपको NDRF और देश के माने जाने जो कमांडोज है NSG कमांडो, SPG कमांडो में भी आपको 5 से 6 साल के लिए आपको सेवा का मौका दिया जाता है। इसी के साथ साथ आपको UN मिशन के लिए भी, फॉरेन कंट्री के लिए भी भेजा जा सकता है। तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये बल प्रदान करता है। और इसका जो गलत फहमी या गलत धारणाएं जो बनी हुई है कि ये बल केवल बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया है, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बल जो है अभी बहुत सी ड्यूटियाँ ऐसी करता है जिसमें आपको हर जगह आपको मौका मिलेगा ड्यूटी करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस बल में आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं। देखिए दोस्तों 2004 के बाद जो भी बहाली यहाँ पर हुई है या भर्तियाँ जो भी हुई है या होने वाली है उनको पेंशन की सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है। उनको न्यू पेंशन सिस्टम के तहत यानी NPS के तहत यहाँ पर पेंशन दी जाएगी और जो 2004 से पहले के भर्ती है उनको पेंशन की सुविधा यहाँ पर अभी भी मिल रही है। साथ ही आपको पेंशन का यहाँ पर मुद्दा भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, अगर आप BSF में आना चाहते हो तो आपको अगर कॉन्स्टेबल GD, नॉन GD और जो टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं उनके लिए आपको ACCGD या BSF खुद भी भर्तियाँ ऑर्गेनाइज करती है जिसमें से आपको यहाँ पर ACCGD में और नॉन GD में आपको यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। अगर आप एज ए ऑफिसर इस बल में आना चाहते हो तो आपको UPSC ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, UPSC द्वारा आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर इस बल में नियुक्त हो सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं आपको आगे बढ़ने का मौका भी इस बल में दिया जाता है। अगर आप GD कैडर से हो और आप 3 साल की नौकरी पूरी करते हो तो आपको डायरेक्ट डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर यहाँ पर नियुक्त हो सकते हो और आपको उससे आगे भी बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छी ये बल में आपको एक्सपीरियंस आने वाला है। साथ में बता दूं कि BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी और भी ऐसी कई ड्यूटी है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अनुभव आपको आने वाला है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको BSF से रिगार्डिंग जो भी जानकारी मैंने दी होगी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।